भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक मामले में आरा कोर्ट में पेशी के लिए आज पहुंचे थे। दोनों पक्ष के बहस के बीच पवन सिंह का पक्ष एक बार फिर सेटलमेंट के लिए तैयार हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष ने समय ले लिया है। दरअसल भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक मामला में आरा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही हजारों की संख्या में उनके फैन भी कोर्ट के बाहर पहुंचे। काफी देर के बहस के बाद भी मामला नहीं सुलझा। इस दौरान पवन सिंह के पक्ष एक बार फिर सेटलमेंट के लिए तैयार हुआ, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह के वकील ने इस मामले पर बात विचार करने के लिए सहमत नहीं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने तलाक के लिए आरा कोर्ट में फैमिली कोर्ट में यानी अर्जी लगाई थी। अर्जी में उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मांगा था। आज इस मामले में आरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। माना जा रहा था कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट को लेकर फैसला नहीं हो पाया। पवन सिंह का पक्ष एक बार फिर सेटलमेंट कराने की बात कह रहा था, जबकि दूसरा पक्ष ज्योति सिंह सेटलमेंट कराने से इनकार कर दिया, वहीं आगे की समय मांगा है। सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख दी गई थी, जिसके बाद आज पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह दोनों कोर्ट में पहुंचे थे। इससे पहले भी पिछली बार इस मामले में पवन सिंह को 28 अप्रैल और 26 मई को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया था। आज सुबह दोनों कोर्ट पहुंचे। पवन सिंह के साथ उनके ढेर समर्थक मौजूद रहे, वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी अपने वकील और परिवार के साथ दिखी। दोनों को देखने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। दरअसल फैमिली कोर्ट में घंटों बातचीत कर काउंसलिंग करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन दोनों तरफ से बात नहीं बनी। पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह ने बताया कि हमारा पक्ष तलाक के लिए अर्जी दिया है और वह साथ रहना नहीं चाहते हैं। हमारा पक्ष कंपनसेशन के नाम पर एक बार सेटलमेंट दोनों को तैयार किया है, लेकिन उनके ससुर की मंशा ठीक नहीं है। उन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, साथ ही नहीं रहना चाहते और सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं। वहीं ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे का कहना है कि मेरा पक्ष यानी ज्योति सिंह अपने पति के साथ रहना चाहती है। उनके द्वारा उन पर इतना अत्याचार किया गया है, बावजूद वह साथ रहने को तैयार है, और साथ नहीं रहना तो 8 करोड़ कंपनसेशन के रूप में दें ताकि ज्योति सिंह की पढ़ाई लिखाई और जीवन गुजारा हो सके। लेकिन पवन सिंह का पक्ष किसी शहर में एक मकान और सिर्फ पढ़ाई का खर्चा देने की बात कर रहे हैं, जिसको ज्योति के पिता ने खारिज कर दिया है। इस वजह से काउंसलिंग की बात फेल हो गई और अब कोर्ट के हाथ में फैसला है कि जज क्या निर्णय लेते हैं। वहीं पवन सिंह ने 2018 में यूपी के बलिया के रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। वहीं तलाक मामले होने के पर ज्योति सिंह बीते कई महीनों से अपने मायके में रह रही है। वहीं पवन सिंह अपने पैतृक गांव आरा के जोकहरी से बारात लेकर आए थे, अब रिश्तों में खटास के बाद कोर्ट तक पहुंच गई। आज इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन सुनवाई किसी कारण नहीं हो पाई। क्या कोर्ट में फैसला? आज रिकंसिलेशन था दोनों पक्ष के मध्य में। तो जहां तक सवाल है कि हम लोगों ने तलाक का मुकदमा दायर किया, तो हम लोगों ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, एक बार जो आपको ये है हम लोग जमा कर देते हैं और तलाक कर लिया जाए। तो यही स्थिति है, हम लोगों के समक्ष है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्ष से बातचीत किया और न्यायाधीश महोदय ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट की बात है तो वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए। हम लोगों ने वन टाइम सेटलमेंट करने का ऑफर दे दिया है। उन लोगों ने कहा है कि विचार करके हम बताएंगे। काफ़ी लंबी बहस हुई है दोनों बहुत दोनों के बीच, बहुत देर तक से रिकंसिलेशन का काम हुआ है। क्या सर साथ रहना चाहते हैं या दोनों? साथ तो रहना ही नहीं। ज्योति सिंह साथ रहना चाहती है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि हम साथ, उनकी जो न्यायालय में जो बोलेंगे वही ना हम मानेंगे। सेटलमेंट में क्या क्या डिमांड हुआ? सेटलमेंट में उन लोगों का कोई अभी ये नहीं है। हम लोगों ने कह दिया है कि वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन उनके फादर की मंशा अच्छा नहीं है, वो उनकी मानसिकता बदलती रहती है। अमाउंट भी तय हुआ है वन टाइम ना? अभी हम लोगों ने, अब वो लोग कहे तब हाँ उस पर राजी नहीं। अब जैसा होगा मैडम, दो चार दिन के बाद निर्णय करके दोनों पक्ष के अधिवक्ता बताएंगे। अभी अगली तारीख नहीं? तारीख नहीं, दो चार दिन के बाद हम लोग निर्णय करेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुदामा। आप कौन से पक्ष के हैं? हम पवन सिंह के तरफ से। आज चल रहा था रिकॉन्सिलेशन के मैटर पर, दोनों आदमी को साथ न्यायालय में रखा, बातचीत किया आपस में। हम लोग से था, हम लोगों का बात भाई 10 करोड़ रुपया, जिसमें 8 करोड़ मिलेगा, तो हम लोग तब से क्या कर रहे हैं, आपसी हम लोग की बात हुई थी। लेकिन कोर्ट में बात चली तो उन लोगों ने कहा जी साहब नहीं, हम रहने के लिए एक मकान दे देंगे उनको और उनको पढ़ाई लिखाई का सारा पैसा एक मुश्त दे देंगे।
तो हम लोगों ने उसको इनकार किया, हम लोग को माने नहीं, तो रिकॉन्सिलेशन हुई, फेल कर गया, लेकिन कोर्ट आगे देखिए क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं। पवन सिंह रखने के ज्योति नहीं आप लोग रखने का अपील किए हैं? अपील क्या करना, रखने का जाएंगे हम, तैयार है जाने के। क्या ज्योति सिंह ने डाइवोर्स किया, हम लोग का थोड़ा डाइवोर्स, अभी भी ज्योति सिंह रहना चाहती है पवन जी से? हाँ, कहीं रहेगी, रखेंगे तो रखेंगे। पवन जी ने क्या कहा? नहीं रखना चाहते, ये फाइनल जजमेंट है सर, फाइनल जजमेंट अभी कहाँ से आ जाएगा, अगला डेट भी चल रहा है, अभी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसी पर रिकॉन्सिलेशन आपको फेल कर गया साहब। हम लोग उस मांग को स्वीकार नहीं किए, रहने का किसी शहर में मकान और पैसा वाले जो था, पढ़ाई का सारा पैसा देंगे, उनके फादर ये लोग आए थे, वो लोग डिनाइल किए, हम लोग स्वीकार नहीं, हम लोग केस लड़ेंगे, यही हुआ। क्या नाम है आपका? कृष्ण सर पांडे। आप किसके पक्ष के वकील? हम लड़की पक्ष के। ज्योति सर? ज्योति सर।